हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो हम वर्कशीट 4 कर रहे हैं और इसके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से कर लिए हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले उन वीडियोस को देख लें, फिर आपको ये वाली वीडियो एंड दैट इज़ 4th, 5th, and 6th क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि आने वाली जितनी भी वीडियोस मैं चैनल पे अपलोड करूंगा उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आने वाले टाइम में डीएवी के बोर्ड के क्वेश्चंस, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है, उनके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। एंड जो इतना आप सपोर्ट करते हो, इतने अच्छे अच्छे आप कमेंट करते हो, उनके लिए थैंक यू सो मच, ठीक है। तो आज हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आता है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उन कमेंट को मैं देख के उन क्वेश्चंस को हम किसी भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। एक बार एक मैं वीडियो ये भी बना दूंगा डिस्कशन वाली, मतलब जो रिविजन वाले क्वेश्चन की वीडियो में मैं जरूर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बस आपको अप टू डेट रहना है चैनल पर, ठीक है। तो आज हम फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू 6203, ठीक है, टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेन्ड। मतलब एक उन्होंने नंबर दिया है 6203, इस नंबर में हम क्या ऐड करें जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। थर्ड क्वेश्चन नहीं, हाँ सेकंड क्वेश्चन जो हमने समझा था वही डिजिट उसमें थी, वही डिजिट इसमें है। सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि इससे क्या सब्ट्रैक्ट करें तो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने क्या किया था, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की हमने कोशिश की थी, तो जो रिमाइंडर आया था वो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो आंसर आ गया था। इसमें हमें ऐड करना है। पहले इस क्वेश्चन का जरा मतलब समझ लो कि हम क्या इसमें ऐड करें जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब एक बात जरा सुनो, सपोज करो मेरे पास कोई नंबर है, ठीक है, कोई नंबर है 18, ठीक है। अब मैं क्या छोटे से छोटा नंबर इसमें ऐड करूं जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। एक छोटा नंबर मैंने आपको दिया है, आप एक बार जरा सोचिए कि 18 में हम क्या ऐड करें जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि हम इसमें 7 ऐड कर दें। सेवन ऐड करने से क्या होगा, 7 ऐड करने से ये होगा कि इसमें अगर हम 7 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 25, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो एडिशन वाले में हमें ऐड करना है। अगर मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखो एमसीक्यूज में ना कभी बेसिक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं जिनको हम माइंड में कैलकुलेट करके बहुत आराम से दे सकते हैं। अगर मैं कहूं आपसे व्हाट इज लास्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 18 सो दैट वी ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, अब बताइए आप इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए 2, क्योंकि अगर हम इससे 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 16 बन जाएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ऐड करने की बात आए तो इसमें 7 ऐड करेंगे तो ये 25 बन जाएगा, तब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करना हो या ऐड करना हो हम अपने माइंड से कर सकते हैं उसको, लेकिन ये थोड़ा बड़ी डिजिट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब हम कैसे इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, यानी कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। अब जरा सुनो, आपको क्या करना है, नंबर लिख लेना है 6203, ठीक है। अब बस हमारे पास वही तरीका है कि हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले पेयर बनाएंगे इसके, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक ऐसा स्क्वायर नंबर सोचना है जो या तो 62 हो या उससे छोटा हो। 62 तो स्क्वायर नंबर है नहीं, और 18 से 64 ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, 7 7 जा 49। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस करने के बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, ठीक है भाई। 12 - 9 यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे 5 - 4 यहाँ पे आ गया 1। यहाँ पे हमको 03 नोट कर लेना है, ये वाला पेयर। आई थिंक अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब हमें क्या करना है, 7 का डबल यहाँ पे 14 हमें नोट करना है, 7 का डबल कितना हो गया, 14 हो गया। अब एक बात जरा सुनिएगा कि 7 का डबल अगर हमने यहाँ पे 14 नोट कर लिया, अब हम 14 लिख लेंगे, ठीक है। अब 14 के बराबर में जो नंबर लिखेंगे उसी से मल्टीपल करेंगे, ये बात आपको समझनी है कैसे। अब जरा सोचो, अगर हम यहाँ पे 8 करते हैं और 8 से ही मल्टीपल करते हैं तो कितना आ रहा है, 8 8 64 6, ठीक है। 8 4 32 38, कैरी 3,
एट वन जा एट, नाइन टेन इलेवन, 1184 आ रहा है। इससे आगे का करके देखें, अगर हम करेंगे 149 तो 9 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 81, 8 कैरी, 9 4 जा 36, और ये 36 और 4 8 44, 4 कैरी, 9 9 9 और 30, 1341 आ रहा है। तो यू नो जब भी हमें ऐड करना हो ना तो हमें इससे छोटा नहीं लेना है, देखो इस बात ध्यान रखना। अगर सब्ट्रैक्ट करना हो, इसमें थोड़ा सा देखो कन्फ्यूजन कई बार स्टूडेंट्स को हो जाती है, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना होता तो हम ये वाला छोटा वाला नंबर लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन जब भी आपको ऐड करना होगा तो आप इससे नेक्स्ट स्टेप करेंगे, यानी इससे एक स्टेप बड़ा वाला नंबर लेंगे। जैसे 1 4 के बराबर में 8 लिखने पे तो 1184 आ रहा था, और इससे अगर हमने 9 लिखा, 149 और 9 से मल्टीपल किया तो ये आ रहा है, तो हमें वन स्टेप ज़्यादा ही लेना है। ये बात आपको ध्यान रखनी, कब ज़्यादा कब लेना है, जब हमें ऐड करना होगा, और कम वाला कब लेना है, जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। ये बात आप नोट कर लो, ठीक है। तो हमें ज़्यादा वाला लेना है क्योंकि हमें ऐड करना है, तो 9 यहाँ पे आएगा और 9 यहाँ पे आएगा, और ये हो गया 1341। अब इसको आप उल्टा सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि ये तो ज़्यादा है ना, तो आप इसको उल्टा सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ गया ये बताइए, उल्टा सब्ट्रैक्ट करो इसको कितना आ गया, 11 माइनस 3, क्योंकि ये ज़्यादा है ना, तो आप एक बार लिख लो कहीं चाहो तो, क्योंकि ये तो इधर लग लिया और ये 1303 यहाँ पे लिख लिया, ठीक है, ठीक है। क्योंकि देखो ये वाला नंबर तो मैंने यहाँ पे नोट किया हुआ है और 1303 हमने यहाँ पे नोट किया हुआ है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करो एक बार, कितना आएगा, 11 माइनस 3 कितना आ गया, 8, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया, 3 3 माइनस 0 यहाँ पे आ गया 38, तो ये आ गया 38, माइनस का 38 आंसर आ रहा है। तो माइनस नहीं लगाना है आपको, ये बात ध्यान रखना, उल्टा सब्ट्रैक्ट करना है, केवल ये 38 आ गया, ठीक है। अब हमें पता क्या करना है, ये माइनस के 38 अगर यहाँ पे आंसर आ रहा है तो इससे पता क्या इंडिकेशन होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता कब, अगर इसमें 38 और होते, क्योंकि 38 की कमी है, क्योंकि ये तो ज़्यादा आ रहा है ना, तो इसमें 38 और होता, 6203 में 38 और होता तो ये रिमाइंडर जीरो आता, तो 38 बच रहा है ना, क्योंकि ये 1341 जो है ना 1303 से 38 ज़्यादा है। तो अगर इसमें 38 ऑलरेडी होता तो 38 यहाँ पे ज़्यादा हुआ होता, तो यानी 1341 ही यहाँ पर लिखा होता, दैट्स वाई 38 की इसमें कमी है। तो हमें क्या ऐड करना है, सो वी शुड ऐड कितना, 38 टू 6203, ठीक है, टू ऑब्टेन अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। बात आपको समझ में आई, देखो एक बार और समझ लो, देखो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए, अगर कोई भी डाउट आए ना तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम वहाँ पे भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। मतलब आपको कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए, ये नहीं कि हमने बता दिया केवल आपने नोट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर समझ रहे तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखो जरा सुनो, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ कि अगर आपको कभी भी सब्ट्रैक्ट करना हो, अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि वर्ड नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, सब्ट्रैक्टेड हो तो 1303 था ना, तो इससे कम स्टेप वाला लेते, वन स्टेप कम वाला लेते, ठीक है, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ऐड वाला हो ना तो उससे वन स्टेप ज़्यादा लेते, यानी इससे वन स्टेप ज़्यादा वाला नंबर, ठीक है, बात ध्यान रखना, क्योंकि 8 लिखा था तो वो कम आ रहा था नंबर, तो उससे हमें ज़्यादा लेना, यानी इससे ज़्यादा वाला नंबर लेना है, ठीक है। तो इससे वन स्टेप ज़्यादा वाला ही आ रहा था 1341, तो बस अब सब्ट्रैक्ट कर दिया, 38 आ गया, नहीं 38 की इसमें कमी है तो 38 ही इसमें ऐड करना है। अब हम क्या करेंगे, नाउ इसमें 6203 में 38 ऐड कर दो, कितना आ गया, एक बार जरा देखो कितना आ गया, 8 और 3 बताइए, 8 और 3 11 कैरी 1, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 6, 6241। अब ये 6241 परफेक्ट स्क्वायर है, आप अगर बिलीव नहीं है तो आप एक बार इसको चेक करके देखो, स्क्वायर रूट इसका फाइंड करके देखो, ये परफेक्ट स्क्वायर है, रिमाइंडर जीरो आएगा, क्यों, क्योंकि 38 की जो कमी थी वो हमने ऐड कर दिया, जब ऐड कर दिया तो अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अब इसमें ये भी तो पूछा है ना, यहाँ तक का तो हो गया, उसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि इसमें क्या ऐड करें, तो ऐड करने के लिए हमें 38 मिल गया, तो हमने ये आंसर तो लिख दिया, 38 हमें ऐड करना, ये बात आपको समझ में आ गई। अब उसमें ये भी पूछा है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर सो ऑब्टेंड, जो नंबर हमें मिला इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या कर सकते हैं, एंड इसका जो स्क्वायर रूट आएगा ना 6241 का, वो 79 आएगा, ये वाला आंसर आएगा। पता है क्यों, क्यों आएगा जरा बताओ, इसका पता इसीलिए आएगा क्योंकि 38 की जो कमी थी ना, 38 को अगर इसमें ऐड कर देंगे तो इसमें ना 1341 ही आएगा यहाँ पे,
और जब ये 1341 आएगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो 79 ही इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट आएगा, इसका नहीं आएगा। इसमें अगर करोगे तो फिर तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा, लेकिन इसमें ऐड कर दोगे, अगर आपने 38 ऐड कर दिया तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। और परफेक्ट स्क्वायर बन गया तो जब लास्ट में आप ये वाला स्टेप अप्लाई करोगे तो 1341 जो आ जाएगा, यहाँ पे भी 1341 होगा, ठीक है। स्क्वायर रूट इसका जो है ना, स्क्वायर रूट आप जब फाइंड करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे भी 1341 ही होगा, ऊपर भी देख लेना एक बार। तो इसका स्क्वायर रूट हमेशा यही 79 ही आने वाला है, ठीक है। तो बस हमेशा आपको क्या करना है, जब भी ऐड करना हो तो जो रिमाइंडर बचेगा उसे ऐड कर देना, मतलब एक स्टेप ज़्यादा लेंगे। ध्यान रखना कब लेना है वन स्टेप ज़्यादा, जब हमें ऐड करना हो, तो वन स्टेप ज़्यादा लेके जो रिमाइंडर बचेगा उसे ऐड कर दो, और ऊपर वाला जो नंबर होगा वही स्क्वायर रूट होगा। अगर आप चाहें तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से इस बात को नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप, ठीक है। चलिए फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमें यह पूछा है, फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर चाहिए, यानी लीस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट, यानी सिक्स डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। अब एक बात जरा सुनो, लीस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट पहले आप लिखो कौन सा होता है, यही तो कहा है ना, लीस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट, लीस्ट नंबर ऑफ सिक्स डिजिट होता कौन सा है जरा बताओ। आपको पता होगा ना, प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, 1 1 2 3 4 5 जीरो लगा दो, ये सिक्स डिजिट का नंबर है और सबसे छोटा है। इससे कोई छोटा नंबर सिक्स डिजिट का हो नहीं सकता, क्योंकि इससे एक छोटा लोगे तो ये फाइव डिजिट का रह जाएगा ना, क्योंकि वन इसमें से सबट्रैक्ट करने पे तो 9999 आएगा, ठीक है। तो ये सबसे छोटा सिक्स डिजिट नंबर है। अब हमें ये चेक करना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करो, देखो ईजी क्वेश्चन है, हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर लिखिए जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। अब स्मॉलेस्ट सिक्स डिजिट नंबर तो हमारे पास ये है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता नहीं भी, तो हमें चेक करना पड़ेगा ना कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, और नहीं होगा तो हम इसको बना देंगे परफेक्ट स्क्वायर। वही तो इसमें वो है ना, मजेदारी तो इसी बात में है ना कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो हम बना देंगे, क्यों, हमारे पास मेथड है, हमारे पास आइडिया है, क्वेश्चन करने का हमारे पास तरीका है। अब देखो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 यानी सिक्स डिजिट नंबर हो गया। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करो, पेयर बना लो, ठीक है। कितना हो गया, 3 3 9 क्लियर है, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे कितना आ गया, 1, क्लियर है। नेक्स्ट पेयर नोट कर लो, 00, क्लियर है, 3 का डबल आ गया यहाँ पे, 6, क्लियर है। अब एक बात जरा सुनो, 6 के 1 1 लिखोगे, 1 लगाओगे तो 60 बनाएगा, अगर 6 के बराबर में 2 लिखोगे, 2 लिखोगे तो कितना आएगा, 2 2 4 60 12, ये ज़्यादा हो गया। लास्ट वाले में एक स्टेप ज़्यादा लेंगे, अभी आपको केवल स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करो जब तक लास्ट स्टेप पे हम ना आ जाए, अभी तो ये मिडिल का स्टेप है ना, तो आपको क्या लिखना है, 6 जैसे ये 61 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अभी नेक्स्ट डेट होना बाकी है, तो एक स्टेप अभी हमने कम लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आ गया, 9, और यहाँ पे आ गया 30 39 आ गया। अब हमें नेक्स्ट पेयर नोट कर लेना है, ये रहा 00, ये बात समझ में आ गई, 31 का डबल हमें लिख लेना है यहाँ पे 62। अब देखो बात को जरा सुनो, अब एक बात जरा सुनो, 62 आ गया, 62 के बराबर में हमें कुछ लिखना है, क्या लिखें। अब एक बात जरा सुनो, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मान लीजिए 6, और यहाँ पे भी 6 लिखता हूँ, एक बार सोच के देखते हैं कितना आता है, 6 6 36 3 62 12 13 14 15 कैरी 1 6 6 36 37, ये आ रहा है 3756। अगर एक स्टेप ज़्यादा लें, देखें 627 लिखो और यहाँ पे भी 7 लिखो, कितना आएगा, देखें 7 7 14 4 7 2 14 18 कैरी 1, 7 6 42 43, ये ज़्यादा है और ये कम है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना आपको ध्यान से समझना है, अगर मान लीजिए मैंने ये 62 यहाँ पे भी 6 लिखा, यहाँ पे भी 6 लिखा, और मैं यहाँ पे लिखूँगा 3 3 7 5 6, तो रिमाइंडर कुछ आएगा, तो उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा नहीं बन जाएगा, ये बताओ पहले। तो ये बात आपको समझ में आ रही है ना, हमने सीखा है ना कि जैसे अगर हम ये नंबर यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि ये तो ज़्यादा है, ये लिखेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन एक पता है, यहाँ पे कमी हो जाएगी, गलती क्या हो जाएगी, गलती ये हो जाएगी कि जो रिमाइंडर आएगा उसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो परफेक्ट स्क्वायर तो बन जाएगा, बट ये सिक्स डिजिट नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर इसमें से आपने 1 भी सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, तो ये 5 डिजिट रह जाएगा, क्योंकि 1 सब्ट्रैक्ट करने पर तो ये 9999 5 टाइम हो जाएगा, ये भाई क्या आ जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 9999, तो इससे हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो जो रिमाइंडर आएगा उसको इससे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इसमें क्या करेंगे, ऐड करना है हमें,
तो ऐड करना है फिर हम क्या करेंगे, ऐड करना हो तो हम क्या करते हैं, वन स्टेप ज़्यादा लेते हैं, तो सबट्रैक्ट करना हो तो वन स्टेप कम लेना होता है, इससे छोटा नंबर लेते हैं, लेकिन जब हमें ऐड करना हो तो हम वन स्टेप ज़्यादा लेते हैं। और ऐड क्यों करना है, क्यों, क्योंकि इसे सबट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सबट्रैक्ट करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, यानी 5 डिजिट नंबर रह जाएगा ये, तो ऐड करना है, ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे 7 और यहाँ पे 7 लेना है। ये बात समझ में, ऐड क्यों करना है ये भी तो क्लियर है ना, होना चाहिए ना आपका। तो ये कितना आ गया, 4389, ये बात समझ में आ गई। ऐड क्यों करें, क्यों, क्योंकि ऐड करने से 6 डिजिट ही रहेगा, लेकिन सबट्रैक्ट करने से तो 5 डिजिट रह जाएगा। क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं कहा है कि ऐड करना सबट्रैक्ट करना, उन्होंने तो केवल कह दिया, ये तो हमें लॉजिक लगाना है ना कि ऐड करेंगे तो क्या होगा, सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, सबट्रैक्ट करेंगे तो 5 डिजिट नंबर रह जाएगा ये, तो सबट्रैक्ट तो नहीं कर सकते ना, तो ऐड करना है तो वन स्टेप ज़्यादा लेना पड़ेगा, ये हमें खुद सीखना है। यू नो इन क्वेश्चन में यही तो बात है ना कि सीखना है कि करना क्या है। चलिए अब क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर दूँ ये 4389 से 3900 को सबट्रैक्ट करना है, यहाँ पे कर देता हूँ मैं, ठीक है। कितना आ गया यहाँ पे 9, ठीक है, और यहाँ पे कितना आ गया 8, यहाँ पे 14 -9 यहाँ पे आ गया 4, यानी ये आ गया 489। तो इतना इसमें ऐड करना है, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है, रिक्वायर्ड नंबर इज कितना आ गया 100000, इसमें हमें ऐड कर दो 489, ठीक है 489, ये तो रफ कॉपी का वर्क था, ये तो अलग करना है, तो कितना आ गया 100489। अब एक बात जरा सुनो, यू नो अभी हमने एक थर्ड क्वेश्चन किया था, प्रीवियस वीडियो में थर्ड क्वेश्चन किया था, उसमें हमने रिमाइंडर को सबट्रैक्ट किया था, क्योंकि वो क्वेश्चन पता क्या था, 9999 ये था, 6 डिजिट नंबर था, ग्रेटेस्ट। अब इसमें हम ऐड नहीं कर सकते थे, पता है क्यों, क्योंकि अगर आपने इसमें 1 भी ऐड कर दिया ना तो ये 7 डिजिट हो जाएगा, तो इसमें से सबट्रैक्ट करना था, सबट्रैक्ट करने के लिए हम वन स्टेप कम ही लेते हैं और ऐड करने के लिए वन स्टेप ज़्यादा लेना है। तो बात ध्यान रखना कि जब भी आपको लीस्ट 6 डिजिट नंबर पूछा जाए तो आपको वन स्टेप ज़्यादा लेना है, क्योंकि हम लीस्ट नंबर में से घटा नहीं सकते, ऐड करना होता है, और ऐड करने वाले में हम वन स्टेप ज़्यादा ही लेते हैं, ध्यान रखना। अब हमसे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि फाइंड द, हाँ अब ये भी पूछा है, देखो 5th क्वेश्चन में ये भी पूछा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, नाउ पूछा है इसमें ये भी, है ना, इसका हमें स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है, ठीक है। तो कितना आ गया 10489, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, वही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है, 317 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये साइड में कर लेना, थोड़ा सा सेपरेट कर लेना, ये पोर्शन अलग है, ये पोर्शन अलग है, लेकिन ये आपको फेयर में करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का पार्ट है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई ना, तो बस इसका स्क्वायर रूट यही होगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो ये था हमारा 5th क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, एंड प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, आप लोगों से बहुत उम्मीद है, ऐसे ही अगर आप सपोर्ट करते रहे ना तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ में 8th क्लास के लेके आने वाला हूँ, DEV की बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, नॉलेज से भरपूर होंगे, जो मैं सिखा सकता हूँ अपना 100% देकर वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, बस थोड़ा सा आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, और आप करते भी हैं सपोर्ट, चैनल पे डेली जो है सब्सक्राइबर जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं, ये सब आपकी वजह से है, आप अपने फ्रेंड्स में आई होप आप शेयर करते होंगे, बताते होंगे, जैसे और भी जो फ्रेंड्स हैं आपके वो भी वीडियोस को देखते होंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं 6th क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए अब हम आ गए 6th क्वेश्चन पे, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी है, ध्यान से करनी है, आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो 6th क्वेश्चन है ना, मैं इसको ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ, आई थिंक बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, केवल हमें करना क्या है, किसी जो वैल्यू दी हुई है 6443279, इसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है, एंड 9653449, इसका भी हमें स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें इन दोनों को आपस में सबट्रैक्ट कर देना है, मतलब 8027 जो स्क्वायर रूट आ जाएगा, एंड सेकंड नंबर का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा 3107, इसको हमें सबट्रैक्ट करके 4920 हमें आंसर लिख देना है। बहुत ईजी है, आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।